जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे जो कि है रेशम क्लासेस। इग्नू का ऐसा चैनल जो आपको सबसे पहले बताता है कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, जैसे कि बात करें आपके एग्जामिनेशंस फॉर्म की, आपकी एग्जामिनेशंस की और बहुत सारी अपडेट जो आपके रीजनल वेबसाइट से आई है। लेकिन सबसे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि कॉमेंट सेक्शन तो ओपन है, यहाँ पर मेजोरिटी किस चीज़ की है? लोग क्या चाहते हैं, स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं? क्या स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनका प्रमोशन हो या फिर वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं? ये चीज़ें आपको डिसाइड करनी है। तो कमेंट सेक्शन पे सबसे पहले लिख डालिए कि आपको क्या चाहिए। आप प्रमोशन चाहते हैं, एग्जामिनेशन चाहते हैं? लेकिन बात तो यहाँ और एक हो गई कि सिर्फ जुलाई सेशन ही क्यों, जनवरी सेशन के स्टूडेंट को क्यों नहीं प्रमोशन मिलना चाहिए? जुलाई सेशन को दोबारा प्रमोशन मिलने की बात है, पर जनवरी सेशन वालों को एक बार भी प्रमोशन नहीं मिला। क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं है? बिल्कुल ही नाइंसाफ़ी है। कमेंट सेक्शन में आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर से ज़रूर लिखिए। फाइनल ईयर वालों, आपको बता दूं कि आपका रिजल्ट हो चुका है पब्लिश। आप अपने रिजल्ट को सबसे पहले चेक कीजिए और ये पता कीजिए कि आप पास हुए हैं या फिर फेल। अगर आप फेल हुए हैं या पास, इस बात की जानकारी कहाँ से मिलेगी? मैं हूँ ना, आपको जानकारी दूंगी। 100 में से आपने कितने मार्क्स लाए, थ्योरी पेपर की बात कर रही हूँ मैं, आपने थ्योरी पेपर में कितना कितना मार्क्स लाया ये जानना सबसे ज़रूरी है। 100 में से कितने पासिंग मार्क्स है, 50 में से कितने पासिंग मार्क्स है, ये सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या इग्नू में पास करना डिफ़िकल्ट है? बहुत मुश्किल है, नहीं तो बहुत आसान भी कह सकते हैं, क्योंकि इग्नू जो आपको थ्योरी पेपर में जो मार्किंग करता है वो बहुत ही कम मार्किंग होती है। यानी कि अगर आप पूरा पेपर सही से भी लिख के आते हैं तो आप 50 से 60, इससे ज़्यादा नंबर आप नहीं ला पाओगे अगर आपने 100 नंबर का पेपर दिया। अब आप सोच सकते हो, टॉपर स्टूडेंट्स जब ये बात कह रहे हैं कि आपको 70-80% से ज़्यादा मार्क्स आपको मिल नहीं सकते, चाहे आप कितनी भी अच्छी आपने पेपर की हो, आपने तैयारी की हो, तो इस वजह से अपनी तैयारी को सही से रखिए और अपनी पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए ही चाहिए होंगे। अगर आप दिसंबर एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं, आप इंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं, नॉट ईजी कि आप इग्नू से कर पाओगे इतनी आसानी तरीके से। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बात करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कीजिए और उसी क्वेश्चन पेपर को रिपीट कीजिए, अच्छे से लिखने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट अपडेट है कि आपको अपने असाइनमेंट सबमिट करना है। असाइनमेंट कितना ज़रूरी है, यानी कि आपके पूरे रिजल्ट को बनाने में असाइनमेंट का 30% का रोल है। 30% का रोल, यानी कि 70% आपका थ्योरी एंड 30% आपका असाइनमेंट। सोचिए, आप अपने असाइनमेंट में अगर अच्छे मार्क्स लाते हैं तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट अपडेट है कि आपको एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में बताती हूँ। तो एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में बात करें तो यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म आने वाला है, पर अभी तक एग्जामिनेशन फॉर्म रिलीज़ नहीं हुए। लेकिन बात, इस बात को आप ध्यान में रखिए कि एग्जामिनेशन फॉर्म किसे फिलअप करनी है और किसे नहीं करनी है। एग्जामिनेशन फॉर्म हर एक कैंडिडेट को फिलअप करनी है। बात करते हैं, ये एग्जामिनेशन फॉर्म जो है ये जून कैंडिडेट के लिए, जनरली सितंबर के कैंडिडेट के लिए जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो आ जाती है अक्टूबर तक, ठीक है, सितंबर से अक्टूबर के बीच में आ जाती है। बट अभी ऐसा कुछ नहीं है, ये एग्जामिनेशन फॉर्म अक्टूबर में आएगी और अक्टूबर के कितने तारीख को आएगी उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगी। एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से ये बात आप ज़रूर ध्यान में रखिए कि एग्जामिनेशंस का जो फ़ी है हर एक पेपर का, वो 200 रुपये कर दिया गया है। और आपको इसके लिए थ्योरी कोर्स एंड प्रैक्टिकल लैब कोर्स के लिए अलग अलग यहाँ पे आपको पैसे लग जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे दो तीन चीज़ें और। अगर आपने पहले ही यहाँ पे जून एग्जामिनेशंस की बात करी, जो कैंडिडेट जून में एग्जामिनेशन नहीं दे पाए वो दिसंबर में एग्जामिनेशंस दे सकते हैं। और उसी के साथ साथ आपको बता दूँ कि यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के साथ सारी चीज़ें अच्छे से याद रखिए। अगर आपने एक बार गलत पेमेंट कर दी तो फिर आपको रिफंड नहीं मिलेगा। नेक्स्ट अपडेट है, एग्जामिनेशंस बहुत ज़रूरी है। इसके रिगार्डिंग कोलकाता रीजनल सेंटर की तरफ से आई है डेट शीट ऑफ PGD LAN टर्म एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2021। डेट शीट आ चुकी है, तो डेट शीट को ध्यान से देखिए कि कब है एग्जामिनेशंस। और जी हाँ, सारी एग्जामिनेशंस ऑनलाइन मोड यानी कि वर्चुअल मोड पे हो रहे हैं थ्रू गूगल मीट। गूगल मीट के थ्रू आपको जो है लॉगिन करना है और उसके बाद ही आपको एग्जामिनेशन देना है। टाइमिंग आप देख रहे हैं कि टाइमिंग क्या है, 28, 29, 30 इस एग्जामिनेशन जो होने वाले हैं। टाइमिंग भी अलग अलग है, एक साथ टाइमिंग नहीं है, टाइमिंग शेड्यूल की हुई है। नाम भी दिया हुआ है कि कौन से कैंडिडेट का इनरोलमेंट नंबर है, सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है।
यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पे एक नोटिस लिखी गई है जिसमें कहा गया है प्लीज डाउनलोड गूगल मीट ऐप बिफोर अपीयरिंग द टर्म इन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन. प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में बैठने से पहले गूगल मीट का जो ऐप है उसको डाउनलोड करना होगा. उसके साथ आपको बता दूँ कि आपको अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड इग्नू का दिखाना होगा, आपको दिखाना होगा तभी जाके आप जो है एग्जामिनेशन में अपियर हो सकते हैं. नेक्स्ट 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 अपडेट आपके लिए यहाँ पे बता दूँ कि लास्ट डेट आपके फ्रेश एडमिशन का 30 सितंबर तक एक्सटेंड हो चुका है. 30 सितंबर तक आप अपने फ्रेश एडमिशन ले सकते हैं. 4 जुलाई सेशन एक्सेप्ट सर्टिफिकेट प्रोग्राम, सर्टिफिकेट प्रोग्राम को छोड़कर आप सारे फ्रेश एडमिशन ले सकते हैं 30 सितंबर तक. इसके बाद आपकी डेट एक्सटेंड नहीं की जाएगी. एक्सटेंशन की बात करूँ तो यहाँ पे आप सबकी री रजिस्ट्रेशन का जो एक्सटेंशन है वो भी 30 तारीख तक कंटिन्यू है. हालांकि यहाँ पे आपको 15 सितंबर ही दिख रहा होगा बट ये डेट 23 की गई फिर उसके बाद 30 की गई. तो आप अभी भी करा सकते हैं अपना री रजिस्ट्रेशन. री रजिस्ट्रेशन कराना इतना ज़रूरी है क्योंकि इसी के बाद आपका प्रमोशन फिक्स है. नेक्स्ट अपडेट आपको बता दूं कि नेक्स्ट अपडेट यहाँ आई है आपके रांची रीजनल सेंटर की तरफ से. रांची रीजनल सेंटर की तरफ से आई है ये खबर कि आपका बीसीए एमसीए स्टूडेंट के लिए आपका एग्जामिनेशंस है. तो एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग यहाँ पे डेट भी दे दी गई है, प्रोग्राम कोड भी दे दिया गया है किस तरह से आपको अपियर होना है उसके बारे में और कितने से कितने बजे तक आपको एग्जामिनेशन देना है. आपका नाम एनरोलमेंट नंबर इसमें दिया हुआ है, सारी चीज़ें. नेक्स्ट है लखनऊ रीजनल सेंटर की तरफ से, इसमें भी यही एग्जामिनेशंस होने वाली हैं और यहाँ पे भी 29 तारीख की डेट दी गई है 29/9/2021 और यहाँ पे टाइमिंग जो है वो आपकी 11 से लेकर 1 बजे तक की है. तो 11 से लेकर 1 बजे तक की है, सारी चीज़ें आप देखिए. नेक्स्ट अपडेट आप सबके लिए बता दूँ कि यहाँ पे आप सब अपने रीजनल सेंटर की जांच जरूर कीजिए कि आपके रीजनल सेंटर ने आपके लिए क्या कहा. अब बात करते हैं स्टडी मटेरियल की. स्टडी मटेरियल आपको लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास आपका मोबाइल या फिर आपका डेस्कटॉप है. आप अपने हिसाब से आपको जो टॉपिक पढ़ना है, जिस टॉपिक के बारे में आपको जानकारी लेनी है, आप ई ज्ञान कोश यानी इग्नू के ई ज्ञान कोश के थ्रू आप ये चीज़ कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी मटेरियल. और जी हाँ, किसी भी लैंग्वेज में, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आप इस प्रोग्राम को यानी कि पूरे स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं. डाउनलोड करने का तरीका बहुत आसान है. आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको कौन सा कोर्स चाहिए और इसी के साथ आपको दो तीन चीज़ें और मिलेगी, ध्यान से ज़रूर देखिएगा. आपको यहाँ पे सेल्फ लर्निंग मटेरियल और फेसबुक लाइव रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल जाएगी, यूट्यूब के वीडियोस भी मिल जाएगी, इंडियन जर्नल ऑफ ओपन लर्निंग भी है, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशंस भी है, स्वयं प्रभा चैनल के थ्रू जो आपको सारी प्रोवाइड की जाती है आप वहां से भी सीख सकते हो. यानी इग्नू ने सारा का सारा आपको दे दिया. लेकिन इग्नू की एक बात मुझे जो है वो अच्छी नहीं लगती कि इग्नू को जो है मार्किंग थोड़ी अच्छी देनी चाहिए. जस्ट बिकॉज ये ओपन यूनिवर्सिटी है तो इग्नू को थोड़ी सी मार्किंग सिस्टम में थोड़ी सी ढील देनी चाहिए, नंबर अच्छे देने चाहिए. आप इस बारे में क्या कहते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा. और जी हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना ना भूलना. थैंक यू.